केमिस्ट्री क्लासरूम माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी और आज हम बात करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, राइट? तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? आपने आयोनिक बॉन्ड के बारे में अच्छे से समझ लिया है. इन आयोनिक बॉन्ड देयर इज कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर. एक एटम इलेक्ट्रॉन देती है, दूसरी एटम इलेक्ट्रॉन लेती है, ठीक है. जिसने इलेक्ट्रॉन दिया दैट फॉर्म्स कैटायन, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया दैट फॉर्म्स एनायन. और ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट इज आयोनिक बॉन्ड. सो इन 1916, राइट, सो इन 1919, इससे पहले लुईस और कॉसेल उन्होंने काम किया इस पे इन 1916, राइट. और उसी के काम को ज्यादा काम लुईस का रहा है, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन. लुईस के काम को आगे एक्सटेंड किया लैंगमुइर ने. तो इन 19 लैंगमुइर ही वर्कड ऑन इट और उसने लुईस के जो पॉस्टुलेट्स थे उनको ही एक्सटेंड किया. और इस ये जो कोवेलेंट बॉन्ड के जो भी पॉस्टुलेट्स हैं उनको हम लैंगमुइर लुईस कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं. इन दोनों का नाम आता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है. इससे पहले लुईस सिर्फ आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहा था, दैट व्हाई डू एटम्स कंबाइन. लैंगमुइर ने उसी चीज को एक्सटेंड किया दैट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया ऑफ बॉन्डिंग. जरूरी नहीं है कि अपनी ऑक्टेट या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और किसी इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी एटम को इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे. इट इज नॉट अ नेसेसरी प्रोसेस. दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर सकते हैं. एंड दिस बिकेम लैंगमुइर लुईस कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट. तो कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स. अब दिस इज म्यूचुअल, दो एटम्स इन्वॉल्व होंगी तो दोनों ही आपस में बराबर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगी. किस लिए? जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट. अब मैं इसी जो डेफिनेशन है उसको एक्सटेंड करती हूं. पहले हम बात करते हैं सेम एटम्स के बारे में, ठीक है. तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है मेरे पास एक हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 मींस इसके पास एक इलेक्ट्रॉन. सेम ऐसे ही एक और हाइड्रोजन, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम. अब हाइड्रोजन, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है या ड्यूप्लेट? यस, हाइड्रोजन के नियर बाय नोबल गैस कौन सी है? हीलियम. और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन 1s2. तो हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक ही शेल है, इट कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये दोनों क्या करते हैं, अब इनको हमने नजदीक नजदीक करके लिख लिया दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे. दोनों हाइड्रोजन से बराबर दूरी पे हैं, ठीक है. इसकी हाइड्रोजन ने दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन शेयर किया, पहले वाली ने आगे वाली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया. अब दोनों के कॉमन एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो जब भी कोई सिंगल बॉन्ड बनता है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, तो दे विल फॉर्म एच, सिंगल बॉन्ड एच. ये बन गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब इस एक डंडी का मतलब है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है. जब भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 बॉन्ड. ओके, ये थी सेम. ओके, लेट्स वन मोर एग्जांपल. ये रही हाइड्रोजन और ये रही मेरे पास क्लोरीन. अब आपको याद होगा क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें 7 डॉट्स लगानी पड़ेगी.
तो ये रही क्लोरीन की 7 डॉट्स, राइट। अब मैं इनको थोड़ा क्लोज करके लिख देती हूं। ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये रही क्लोरीन और ये रहे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन ने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करी। देखो इस सर्कल के अंदर कितने डॉट्स हैं, 2, 4, 6, 8। हाइड्रोजन, क्योंकि इसने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया था, हाइड्रोजन भी इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब हाइड्रोजन का ये सर्कल है ना, इसके अंदर कॉन्फिगरेशन हो गई 1s2। ये क्लोरीन का सर्कल है ना, इसके अंदर हो गई 3s2 3p6, ठीक है। इसके 8 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, बना कोवेलेंट बॉन्ड। एक में दोनों एटम्स हमने सेम ली और एक में हमने डिफरेंट ली, और दोनों में ही क्या काम हो रहा है, दे आर कंप्लीटिंग देयर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट जस्ट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं कि हम किस तरीके से बॉन्ड्स बनाएंगे। 10th क्लास के अंदर आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बहुत सारे कंपाउंड्स के आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी बनाकर आए हैं। आई नो वेरी वेल। ओके, हाइड्रोजन हो गया। चलिए अब बनाते हैं, लेट इट बी मीथेन, ठीक है। मीथेन, ये रहा कार्बन। कार्बन के पास कितनी डॉट्स लगेंगी, 4। अच्छा, हम ना एक और चीज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दो तरह के आइटम्स हैं और यहां बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी 2-4 डॉट्स लगी हुई हैं, तो मैं क्या करने लगी, मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ले लिया क्रॉस के साथ, और टोटल कितनी हाइड्रोजन लगी हैं, 4, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को लिया मैंने डॉट के साथ, राइट। अब हमें बनानी है मीथेन। देखो बच्चों, जब भी आप डिफरेंट एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड शो करें तो क्या करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको सेंटर में रखते हैं, ठीक है। तो हमें सेंटर में रखना है कार्बन, ओके। ये रहे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। अब हर इलेक्ट्रॉन के सामने आपको लिखनी है एक हाइड्रोजन, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, और हर हाइड्रोजन का अपना अपना इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए। अगर आप डॉट और क्रॉस में लेते हो तो आपको बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं होगी कि ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ओके। अब देखो, हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट, और ये कार्बन इन सभी हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब जरा इस सर्कल के अंदर चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के 4 अपने और 4 इसने हाइड्रोजन से लिए, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, हो गई ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन हर किसी में, तो इसकी क्या कंप्लीट हो गई, ड्यूप्लेट, ठीक है। तो यहां पे आ गया ना कंसेप्ट, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और टू हैव नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, क्लियर। इस हाइड्रोजन की जगह पे अगर क्लोरीन होती, लेट इट बी CCl4, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 4 लगी हैं क्लोरीन्स और हर क्लोरीन के साथ हैं 7 डॉट्स, ओके। अब देखो, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, कार्बन की, वो सेंटर में आएगा, 1, 2, 3, 4। इसके सामने क्लोरीन, इसके सामने हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग गई, क्लोरीन। ये रहे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6 और 7, ओके। जितने जितने लूज डॉट रिप्रेजेंटेशंस थी, ठीक है। अब देखो इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6, 7, 7 अपने और 1 कार्बन का 8, 7 अपने 1 कार्बन का 8, तो हर क्लोरीन के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अब क्योंकि इन्होंने कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इनको कार्बन को भी देना है। अब देखो इसके अंदर भी कार्बन की भी क्या हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट। तो दोनों ही एटम्स ने
अपनी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट की बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फूल पत्तियां बनाने के चक्कर में अपनी मर्जी से डॉट्स नहीं लगा देनी है कि डिजाइन डाल रहे हो आप, डिजाइन नहीं डाल रहे हो, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही लगाने हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गया सबको? अच्छा, यही रहेगा बच्चे, वीडियो के साथ साथ बनाएंगे तो समझ में आता रहेगा। ठीक है, ये हो गया मीथेन, ओके। हम अब बनाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन भी सेम होगा, फ्लोरीन, ओके। एक फ्लोरीन, दूसरी फ्लोरीन, एक फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरी फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों जब आमने सामने आएंगे, 4, 6 और 7, इधर भी 4, 6 और 7। ठीक है, जो शेयर करना मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूं उसको। अब देखो, इस सर्कल के अंदर फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, तो दोनों ने ही अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। अच्छा हाँ, एक चीज आपको बताने को रहेगी, यहां पे ये ऐसे बन गया ना, फिर आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कार्बन एक एक शेयर किया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सबके साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लगे हुए हैं। और ऊपर आपने मीथेन बनाई है ना, तो उसमें भी क्या था, चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड शो नहीं किया था मैंने, इसको भी आपने अपने नोट्स के अंदर नोट कर लेना। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, अब मैं फ्लोरीन का ही स्ट्रक्चर ले लूं, ऐसे बना रहे हो आप, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, देखो क्लोरीन के साथ भी लगे है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इनको बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर, एलोन, अकेले रहते हैं ये। ठीक है, लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जिस इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग की है, दिस इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गए, तो कार्बन के अराउंड टोटल 4 शेयर पेयर हैं, इसके अंदर 4 हैं शेयर्ड पेयर, और पर क्लोरीन एटम कितने लोन पेयर हैं? 1, 2, 3, देयर आर 3 लोन पेयर, एक पेयर में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मींस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आई बच्चे बात? जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग के अंदर, दे आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर, और जो बॉन्डिंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। अब देखो, सेम फ्लोरीन जैसा ही स्ट्रक्चर किसका आएगा? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। ठीक है, ओके। अब आपने मीथेन का स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम बनाएंगे अमोनिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, अमोनिया NH3, ओके। आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर टोटल कितनी डॉट्स लगती हैं? 5। तो मैं 2, 3, 4 एंड 5 नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, और 3 हाइड्रोजन लग रही हैं, और हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा इसके 5 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, टोटल 3 है ना, ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो नाइट्रोजन भी तो तीनों से एक इलेक्ट्रॉन लेगी। अब देखो ड्यूप्लेट, और नाइट्रोजन के सर्कल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन उसके अपने नजर आ रहे हैं, 6, 7, 8 ऑक्टेट। अब मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करूं, तो मैं लिखूंगी नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड,
और ये देखो दो इलेक्ट्रॉन एज इट इज पड़े हैं। अब आप इनको चाहे डॉट लगा दो, चाहे आप जैसे मर्जी लगा दो, तो ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है दिस इज लोन पेयर, ठीक है। तो अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर देयर इज वन लोन पेयर एंड वन टू थ्री, थ्री क्या है शेयर्ड पेयर्स, थ्री आर शेयर्ड पेयर्स और एक क्या है लोन पेयर। समझ आ गई सबको? तो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये एज इट इज पड़ा है पूरे का पूरा पेयर। लेकिन नाइट्रोजन को देखो टोटल तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो इसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसकी भी ड्यूप्लेट कंप्लीट, डन, बना लिया सबने, ओके। अब देखते हैं वॉटर, वॉटर, ओके। तो मेरे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास है टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है ऑक्सीजन इज हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के कितने होते हैं सिक्स, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है एट, तो टू सिक्स, राइट। अब क्योंकि ये चीजें बता चुकी हूं, बार बार लिखना नहीं चाहिए मुझे भी। दो आई मेरे पास हाइड्रोजन H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ओके। ये रही ऑक्सीजन, टू फोर फाइव सिक्स, ये रही एक हाइड्रोजन इधर, ये रही एक हाइड्रोजन इधर, ये लीजिए, ये हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट और ये ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट, चेक कर लीजिए। ऑक्सीजन के अपने सिक्स थे, उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एक हाइड्रोजन से मिला और एक दूसरी हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन की कंप्लीट हो गई ड्यूप्लेट, ऑक्सीजन की कंप्लीट हो गई ऑक्टेट, राइट। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कितने लोन पेयर है भाई इसमें, दो, ठीक है, इट इज हैविंग टू लोन पेयर्स। आप ऐसे बनाओ चाहे डॉट्स लगाओ, वन एंड द सेम थिंग। तो इसके अंदर लोन पेयर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो, और शेयर्ड पेयर वो भी कितने हैं, दो, क्लियर। ये था स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, बस हमें ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, ठीक है, ओके। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स, लुईस ने स्टेप बताए हैं मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब, अगर टू एटम्स, इफ टू एटम्स, अब ये एटम्स सेम भी हो सकती हैं, सेम और डिफरेंट, शेयर ओनली वन इलेक्ट्रॉन ईच, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं तो बनता है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक डंडे के साथ। इफ टू एटम सेम और डिफरेंट शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ईच, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बनता है डबल बॉन्ड, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ टू लाइन्स। एंड इफ टू एटम्स सेम और डिफरेंट शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन्स ईच तो बनता है ट्रिपल बॉन्ड, तो तीन लाइन्स बन जाती हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक के तो एग्जांपल्स देख लिए आपने, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला, अब दो का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बना, लेट्स सी। ये रही एक ऑक्सीजन सिक्स इलेक्ट्रॉन, ये रही दूसरी सिक्स इलेक्ट्रॉन, चलो मैं इस डॉट के साथ बना देती हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इनको दोनों को हमने आमने सामने लिख लिया, ये लीजिए, ये इसके दो, ये इसके दो, ठीक है, देखो ये इसके सिक्स, ये इसके सिक्स, इसको चाहिए टू इलेक्ट्रॉन्स, एट हो गए, इसको चाहिए टू इलेक्ट्रॉन्स, एट हो गए, देखो दोनों सर्कल के अंदर क्या कंप्लीट हो रही है, ऑक्टेट, इसकी भी और ऑक्टेट इसकी भी, सिक्स अपने इस सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, टू फोर सिक्स एट। अब ये वाले सर्कल के अंदर देखो टू फोर सिक्स एट, और इंटरसेक्शन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं,
टू ओनली। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऑक्सीजन, बीच में कितने आ गए? दो डंडे, और दो लोन पेयर इधर, दो लोन पेयर इधर। दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने लोन पेयर हैं? टू एंड टू फोर। मॉलिक्यूल के अंदर पर एटम तो दो हैं, ठीक है, टू लोन पेयर पर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और शेयर पेयर टू, दो शेयर पेयर है, क्लियर। तो जरा काउंट कीजिए, दो चार छ आठ, दो चार छ आठ, हो गई ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये बना डबल बॉन्ड, क्लियर। ओके, अब हम देखेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये था डबल बॉन्ड का एग्जांपल, अब देखते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। ये रही एक नाइट्रोजन, ये रही दूसरी नाइट्रोजन, दोनों के पास टोटल पांच इलेक्ट्रॉन होगी, पांच पांच डॉट्स पास पास कर दें। इस नाइट्रोजन को तीन और चाहिए, तो इसको अपने तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, हो गए इसके पांच ना, ठीक है। ये वाली नाइट्रोजन, ये रहे इसके तीन और दो पांच, ठीक है, ये लो जी, इसने इसके तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इसने इसके तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग है ना, दोनों सेम करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट, ओके, ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड, और दोनों के पास एक एक लोन पेयर। तो इसके अंदर वन लोन पेयर पर नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, ठीक है। और शेयर पेयर्स, शेयर पेयर्स, और उसको बॉन्ड पेयर भी बोल देते हैं, दीज आर टोटल थ्री। तीन शेयर पेयर है मतलब टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड्स के अंदर, समझ आ गया सबको। तो इस तरीके से डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ट्रिपल बॉन्ड के लिए तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या है, एक रहेगा कार्बन और दो हैं ऑक्सीजन। कार्बन को मैं फिर से क्रॉस में बना रही हूं, और ये रही ऑक्सीजन, ठीक है, दो लगेगी। ओके, अब देखो सेंटर में आ गई कार्बन, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है। अब जरा टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कितने हैं CO2 में। कार्बन में टोटल फोर और एक ऑक्सीजन में होते हैं सिक्स, दो में कितने हो जाएंगे? ट्वेल्व। तो ये बन गया सिक्स टू जब ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन, ठीक है, टोटल आगे सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अब इन सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन्स को पता चला कैसे आए, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन, एक कार्बन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन फोर और ऑक्सीजन के सिक्स, तो टोटल हो गए सिक्स टू जब ट्वेल्व, फोर प्लस ट्वेल्व इक्वल टू सिक्सटीन, ठीक है बच्चे। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, कार्बन के मैक्सिमम कितने हैं फोर, ऑक्सीजन के मैक्सिमम कितने हैं सिक्स। तो हम ये मानकर चलें कि इनके बीच में मिनिमम सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो चार इलेक्ट्रॉन निकल गए, बाकी कितने बचे, बारह, ट्वेल्व, ओके। तो दोनों में सिक्स सिक्स बांट दीजिए, ठीक है। लेकिन सिक्स कैसे बांटेंगे, कार्बन के अपने तो फोर हैं, कार्बन के अपने तो फोर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब कार्बन को टोटल आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दो इसने इधर साइड से लेने हैं और दो इस साइड से लेने हैं। अब कितने हो गए, चार और चार आठ, बाकी कितने बचे आठ, तो दोनों में बराबर बांट दीजिए, चार इधर लगा दो और चार इधर लगा दो,
कार्बन के अपने चार, आठ पूरे करने के लिए दो इसको इधर से शेयर करने हैं, दो इधर से शेयर करने हैं। तो ये लीजिए, कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, सभी की ऑक्टेट कंप्लीट। अब जरा बनाइए इसको, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके ऊपर चार इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी चार इलेक्ट्रॉन। अब इसमें लोन पेयर आप लिखेंगे, शेयर पेयर भी आप लिखेंगे। मैंने बता दिया कैसे लिखना है, नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितने भी मॉलिक्यूल्स हों, आप उनके स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। CO2 का समझ आ गया सबको? चलिए एक बनाते हैं स्ट्रक्चर। लेट इट बी इथीन C2H4, ठीक है, इथीन। आपको पता उसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है ना, तो मेरे पास है दो कार्बन और चार हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास हैं कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मुझे चाहिए दो कार्बन, एक दो, और क्योंकि ये इथीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब इन दोनों कार्बन्स ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। क्लियर, दोनों कार्बन्स ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए क्योंकि इथीन के अंदर डबल बॉन्ड होगा। ओके, अब इसके पास बचे दो इलेक्ट्रॉन, एक दो, इसके पास भी बचे दो इलेक्ट्रॉन, एक दो, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब इसके सामने एक हाइड्रोजन, इसके सामने दूसरी हाइड्रोजन, इधर तीसरी हाइड्रोजन और इधर चौथी हाइड्रोजन। तो अब जरा देखिए, ये कार्बन, इसके अपने चार इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार, चार अपने, पांच छ सात आठ, देखो इस सर्कल के अंदर। कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग कार्बन से लिए और एक एक इलेक्ट्रॉन नेबरिंग हाइड्रोजन से लिया, टोटल आठ हो गए। ऐसे ही इसने भी किया। अब देखो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये लो हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट, बन गया इथीन का मॉलिक्यूल। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये लीजिए। ऐसे ही बनाते थे ना इथीन। इसके साथ ही मैं बना देती हूं इथाइन, C2H2। इथीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, इन, और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक कार्बन दो कार्बन प्लस टू हाइड्रोजन, ठीक है, C2H2। ओके, ये रहे दो कार्बन, दोनों कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब दोनों ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, हो गए दोनों के चार चार नजर आ रहे हैं। इसको कवर करो तो इलेक्ट्रॉन चार, इसको कवर करो तो इसके चार। ओके, अब इसके सामने हाइड्रोजन आ गई। इस कार्बन का देखो जरा, तीन चार पांच, पांच और तीन आठ, इसने तीन शेयर किए ना, तीन और तीन छह और दो आठ, सेम ऐसे। और ये रही हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट। इस सर्कल में देखो कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट, इस सर्कल के अंदर इस कार्बन की ऑक्टेट और इधर हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट, दूसरी साइड भी हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब ये स्ट्रक्चर क्या बना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। चेक कर लीजिए सभी के जो नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर है बराबर। जरा इस कार्बन में देखो, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दो चार छ आठ, इस कार्बन के अराउंड दो चार छ आठ, इसके अराउंड दो चार छ आठ, तो ऑक्टेट भी कंप्लीट और ड्यूप्लेट भी कंप्लीट। तो इस तरीके से आप किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ओके,
अब एक और मॉलिक्यूल फिर मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी आपको, एक और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अब इसके अंदर एक है सल्फर, चार है ऑक्सीजन और दो है हाइड्रोजन। ठीक है, सल्फर के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑक्सीजन के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और एक हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? सिर्फ एक। ठीक है, अब अगला स्टेप यह है कि मुझे इनको लिखना है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, सल्फर आ गया सेंटर में। टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 4। तो आप ऐसा कीजिए, 1, 2, 3, 4 सल्फर के अराउंड इनको इक्वल नंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हो गया, दिखाई दे रहा है सबको? यस, ओके। अब देखो, सल्फर मिनिमम 1, 2, 3, 4 मिनिमम 4 बॉन्ड तो बनाएगी, राइट? ओके। अब इस ऑक्सीजन के पास ये भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हो गए टोटल 6। पहले सिर्फ ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं, ये लीजिए, हर जगह पे ऑक्सीजन के 6 डॉट्स लग गए। हो गया कंप्लीट? ओके। लेकिन अभी हमें 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो चारों पोजीशन सारी एक जैसी, आप कहीं पे भी लगा दीजिए। मैं यहां लगाने लगी, ये रही हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्लस 2 हाइड्रोजन, ये रही हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का, ये लो। पहले मैंने हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट कर दी, क्लियर? हर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6 सबके 6-6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। लेकिन इस ऑक्सीजन ने एक इसको शेयर किया और एक सल्फर को, 6 इसके अपने हैं, एक इधर से लिया एक इधर से, इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट। बिल्कुल इसी तरीके से इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, अब देखो बच्चों, इस ऑक्सीजन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, इस ऑक्सीजन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को हटाया और ये इधर डबल बॉन्ड के लिए मूव कर गया। ठीक, इसको हटाया और यहां पे डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहे, सल्फर के भी तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी तो 4 शेयर हुए हैं, ये रहा इसका 5th इलेक्ट्रॉन और ये रहा इसका 6th इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट, 6 और 2, 8। ठीक, और अब सल्फर क्या कर रही है, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन, इधर से 2, इधर से 1, इधर से 2। अब यहां सल्फर के अराउंड आपको 8 इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएंगे, ऑक्टेट, इसकी भी ऑक्टेट, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं? 6 इसके अपने हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 देर आर प्रेजेंट 12 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सल्फर। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं हाइपरवेलेंट कंपाउंड। दिस इज हाइपरवेलेंट कंपाउंड, वो कंपाउंड्स जो ऑक्टेट से ऊपर चला गया। तो इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी कैसे बनेगा, सल्फर देखो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच,
इसके ऊपर लोन पेयर देखो कितने हैं, दो दो, और इसके ऊपर कितने हैं ऑल्सो टू। अब इसमें लोन पेयर शेयर्ड पेयर आपने मुझे लिख के भेजने हैं कितने कितने हैं। यू हैव टू नोट इट डाउन एंड सेंड मी बैक कि इसके अंदर कितने कितने लोन पेयर और शेयर्ड पेयर्स हैं। हो गया ओके। अब देखो ये तो हमने कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया कि कोवलेंट बॉन्ड्स इस तरीके से बनते हैं, लेकिन इस ये जो ल्यूइस का सिस्टम है इट इज हैविंग नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स, बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं इसके अंदर जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो ड्रॉबैक है दैट इज एक्सेप्शन कह लीजिए या ड्रॉबैक कह लीजिए, एक्सेप्शन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में है सिंगल बॉन्ड और इसमें कंप्लीट होती है ड्यूप्लेट, है ना, इट इज नॉट ओबेइंग ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आठ होने चाहिए लेकिन इसके अंदर आठ नहीं है, क्लियर। यही नहीं, हमारे पास और भी हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, जैसे BeH2 इसमें रहता है Be, एक H इधर एक H इधर, बेरिलियम के दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक शेयर कर लेते हैं तो टोटल आए फोर इलेक्ट्रॉन्स। देन बोरोन हाइड्राइड BH3, तो बोरोन के तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों एक एक हाइड्रोजन से शेयर करते हैं तो टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो दीज आर नॉट ओबेइंग BF3, बोरोन 1 2 3, तीनों तरफ एक एक फ्लोरीन, तो अराउंड बोरोन देर आर अगेन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6, तो इट इज नॉट ओबेइंग ऑक्टेट रूल। ओके, देन हाइड्रोजन में ड्यूप्लेट है, फिर ड्यूप्लेट से ऊपर भी चले गए, ठीक है, तो इनके 8 से कम थे ना, तो जिनके इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ठीक है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो दे आर हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट राइट, और 8 से ज्यादा हो जाएंगे दे विल बी कॉल्ड हाइपरवेलेंट राइट। चलिए अब हम बनाते हैं कुछ हाइपरवेलेंट जिनकी एक्सपेंडेड हमारे पास कोवेलेंसी है, मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंडेड वैलेंसी, एक्सपेंडेड वैलेंसी। ओके, सबसे पहले देखिए PF5 फास्फोरस, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 फ्लोरीन्स लगी हैं और फ्लोरीन के ऊपर टोटल 7, ठीक है, मैं एक एक करके बनाऊंगी आप देखते चलना, तरीका बहुत आसान बनाने का। ये रहा फास्फोरस, फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन और 5 ही मेंबर उसके साथ जुड़ने वाले हैं, तो 1 2 3 4 5, फास्फोरस से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आप इसके इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए, हर इलेक्ट्रॉन के सामने एक फ्लोरीन लगा दो, साथ साथ बनाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। अब फ्लोरीन्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो शो कर दो, देखो 7 डॉट्स, अब सुंदर सा फूल बना दीजिए, ठीक है, फास्फोरस सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अब ये रहा फास्फोरस 1 2 3 4 5, पांचों तरफ वो फ्लोरीन से जुड़ा है, हर फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया और 6 6 इलेक्ट्रॉन, 6 डॉट्स उसके साथ ही लगी हैं, चेक कर लीजिए,
ठीक है, तो इस तरीके से बन गया PF5। तो इसके अंदर टोटल कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स, हाइपरवेलेंट जिनके 8 से ज्यादा, दे आर कॉल्ड हाइपरवेलेंट। तो PF5 समझ आ गया सबको, सिंपल। दोनों की वैलेंस शेल रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए, इसके 5 हैं, पांचों को थोड़ा थोड़ा दूर करके लिखिए, उनके सामने फ्लोरीन्स लगाई और शेयरिंग कर दी। ठीक है, अब हम देखते हैं SF6, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। SF6 मतलब सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन्स, सल्फर अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखें कैसे बनेगा ये। ये रहा सल्फर, 1 2 3 4 5 6, सभी के सामने फ्लोरीन, हो गई 6। अब इस फ्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दीजिए, 1 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 और 7, और इधर भी 2 4 6 और 7। देखो इस सर्कल में फ्लोराइड के, फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और सल्फर इन सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जरा इस बड़े सर्कल के अंदर देखना कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 8 10 और 2 12 12 इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लोरीन की हर जगह पे ऑक्टेट कंप्लीट, और इसको जब आप कोवलेंट बॉन्डिंग से शो करेंगे इस तरीके से बन गई 6 बॉन्ड्स, और हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से एक बॉन्डिंग में चला गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 डॉट्स हर फ्लोरीन के अराउंड रहेगी। और मुझे लिख के बताना लोन पेयर कितने हैं पर एटम और टोटल भी कितने हैं, क्लियर? ठीक है, अब इसके आगे की एग्जांपल आप लिखेंगे, IF7। आयोडीन और फ्लोरीन दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपने मुझे बना के भेजना है। ठीक है, दीज आर एक्सेप्शंस, इसका स्ट्रक्चर आपने मुझे बना के भेजना है। और एक मैंने इसमें पीछे बनाया था सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी, और बताना है सल्फर के अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, याद रहेगा ये आपने मुझे बना के भेजने हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं इन विच देर आर प्रेजेंट ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं इन द मॉलिक्यूल्स। तो फोर्थ इसकी जो एक्सेप्शन है, देर आर प्रेजेंट ऑड इलेक्ट्रॉन्स ऑन सर्टन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 4 6 और 2 8, और यहां देखो नाइट्रोजन के कितने हैं अपने, 2 3 4 5 थे ना अपने, तो 2 इसने इधर शेयर कर लिए, 4 और 1 5। अब इस नाइट्रोजन के अराउंड अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं, तो इट विल बी, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेती हूं मैं, 5 हो गए, ये रहे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 6, ये ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 4 2 6 और 1 7, इट इज हैविंग ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है दिस इज ऑड, सिंगल है, लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर 1 है, ये रहा लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, लेकिन ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं हमारे पास इन विच देयर आर प्रेजेंट ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
कॉसिन और लुईस, इन लोगों ने कहा था दैट नोबल गैसेस आर द मोस्ट स्टेबल एटम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, और वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं करती हैं, मींस पार्टिसिपेट करती ही नहीं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, और हर एटम की कोशिश होती है उनके जैसे बनने की. बट देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन, देखिए XEF2, XEF4, XEF6, XEOF4, XEO3, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो ज़ीनॉन बनाती है. क्यों बनाती है, क्यों बना लिए इसने? तो दीज आर एक्सेप्शंस टू लुईस कॉसिल एंड लैंगमुइर लुईस कॉन्सेप्ट. ठीक है, हम उसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन कि अगर नोबल गैसेस जैसा ही सबको बनना है तो नोबल गैसेस क्यों रिएक्ट कर रही हैं? ठीक है, और इस थ्योरी के अंदर कहीं पे भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात नहीं हुई. नो एक्सप्लेनेशन फॉर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. शेप कैसी होती है, क्यों होती है, कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, शेयर करते हैं, वो सब कुछ बताया, लेकिन शेप के बारे में बात कहीं पे भी नहीं की गई. ठीक है, अब कोई एक मॉलिक्यूल, एक और इसका पॉइंट, सम मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल देन अदर. इनकी कंपैरेटिव, एक मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, एक मॉलिक्यूल कम स्टेबल है, क्यों? नो एक्सप्लेनेशन अगेन. नहीं पता, एक ज्यादा स्टेबल है, एक कम स्टेबल है, इतना तो पता है, लेकिन क्यों है उसके बारे में लुईस और लैंगमुइर के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेबिलिटी की बात भी करेंगे, इनकी शेप के बारे में भी बात करेंगे. तो ये था कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ऑक्टेट रूल क्या है, कुछ मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं. आज के वीडियो में इतना ही. अब कोवलेंट कंपाउंड्स का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंतजार करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का. स्टे ट्यून्ड, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.